की वीडियो बहुत स्पेशल है। 50 किलो बीफ कोरमा जो शादियों पे बनता है उसकी आज रेसिपी बनाने जा रहे हैं। इंडोर नहीं है, आउटडोर है, छोटा सा फंक्शन है उसके लिए बनाएंगे और आउटडोर लखनऊ की आग पे जो है वो बनाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो लीजिए जी, गोश्त से स्टार्ट लेते हैं। इस देग में हम 25 किलो गोश्त डालेंगे और दूसरी देग में 25 किलो गोश्त डालेंगे। 25-25 किलो की दो देगें हम बनाएंगे। तो लीजिए जी, इस एक देग में 25 किलो गोश्त हमारा पूरा हो चुका है। अब जी, इस दूसरी देग में भी हम 25 किलो गोश्त डालेंगे, उतना ही पहली देग में भी 25 किलो डाला है और अब दूसरी देग में भी हम 25 किलो डालेंगे। अब जी, प्याज 10-10 किलो प्याज दोनों देगों में हम शामिल करेंगे। अब जी, दोनों देगों में 350-300 ग्राम लहसुन शामिल करना है। चॉपर में लहसुन को डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए और रफली चॉप कर लीजिए, बिल्कुल फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों देगों में 200-200 ग्राम अदरक शामिल करनी है। अदरक को भी इसी तरह से चॉपर में डाल के रफली सा चॉप कर लेंगे। अब जी, दोनों देगों में हम 3-3 लीटर पानी शामिल करेंगे। पानी हम कम शामिल करेंगे क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा। ये जी, आग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम दोनों देगों को आग पे चढ़ाएंगे और साथ में बाकी मसाले ऐड करते जाएंगे। ये याद रखिए कि कुछ मसाले हमने अभी ऐड करने हैं और कुछ मसाले हम इन द एंड तैयार होने के बाद शामिल करेंगे। तो आग आपने ज़्यादा रखनी है। ये देखिए, दूसरी देग भी हमारी आग के ऊपर चढ़ाई जा रही है। अब जी, हम इसके साथ ही दोनों देगों में 5-5 किलो टमाटर रफली कटे हुए देख सकते हैं, 2-2 पीस कटे हुए हैं। दोनों देगों में 5-5 किलो टमाटर शामिल करेंगे। अब जी, दोनों देगों में 100-100 ग्राम खुश्क धनिया शामिल करेंगे। पाउडर नहीं है, सिल बट्टी में आप मोटा मोटा पीस लीजिए। 150 ग्राम नमक फी देग या हसबे ज़रूरत शामिल कीजिए। हल्दी पाउडर जी, हर देग में 100 ग्राम हल्दी पाउडर शामिल करना है, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करना। 25 किलो की देग है और 25 किलो में 100 ग्राम हल्दी पाउडर हम शामिल कर रहे हैं। अब जी, इसमें 200 ग्राम हम लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। दो तरह की मिर्चें मिलती हैं, एक मिक्स मिलती है जिसमें सारे मसाले ऐड होते हैं, एक सिर्फ लाल मिर्च पाउडर होता है। हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। इसी तरह से दूसरी देग में भी हम 200 ग्राम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप थोड़ा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो 10-20 ग्राम आप बढ़ा सकते हैं। अब जी, दोनों देगों में दड़ा मिर्च या दरफल मिर्च कह रहे हैं, 50-50 ग्राम दोनों में शामिल करेंगे। अब जी, दोनों देगों को कवर कर देंगे एक उबाल आने तक। एक उबाल आने का हम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद फिर इसको इस तरह से सारे को मिक्स करना है। जब उबाल आ जाए तो उसके बाद मिक्स करना है, उससे पहले आपने चमचा नहीं हिलाना, ये याद रखिए। दोनों देगों को मिक्स करने के बाद हम जी 25 से 30 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे और उसके बाद ऑयल शामिल करना है। साथ साथ हम गोश्त की सिचुएशन भी चेक करते जाएंगे। गोश्त जब आपका थोड़ा थोड़ा नरम होना शुरू हो जाएगा तब आपने ऑयल शामिल करना है। अब जी, 25 से 30 मिनट गुजर चुके हैं, हाई फ्लेम पर पकाना है और हमारा गोश्त तकरीबन 70-80% नरम हो चुका है। साथ साथ बाकी चीज़ें भी मेल्ट हो रही हैं। अब इसके बाद हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। 5 लीटर ऑयल शामिल करना है फी देग में। 5 लीटर 5 किलो के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेंगे, 5 किलो में आप 1 लीटर ऑयल शामिल करेंगे। और लीजिए जी, हमारी एक देग में 5 किलो ऑयल पूरा हो चुका है। इसी तरह दूसरी देग में भी 5 लीटर ऑयल शामिल करना है।
अब देखिए जी, हमारी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है और गोश्त भी जो है वो नरम हो चुका है। इसकी बुनाई करनी है तेज़ आग पे। बुनाई करते हुए आपने आग को कम नहीं करना, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब जी, दोनों में 30-30 ग्राम तकरीबन दालचीनी का पाउडर शामिल करेंगे। अब जी, दोनों देगों में 25-25 ग्राम जावित्री का पाउडर शामिल करेंगे। याद रखिएगा कि पाउडर ही शामिल करना है, साबुत नहीं शामिल करनी। अब जी, दोनों देगों में एक एक पैकेट जो है वो कोरमा मसाला का शामिल करना है। तकरीबन 50 ग्राम फी देग में 50 ग्राम कोरमा मसाला का ऐड करना है। ये जी, दोनों देगों में एक एक लीटर तकरीबन दही का शामिल करेंगे। ये दोनों देगों में 2-2 लीटर पानी का शामिल करेंगे। अब जी, कोरमा हमारा डन हो चुका है। अब इसको हम दम पे रखने लगे हैं। दम पे रखने का मकसद ये होता है कि अगर बीच में कोई बोटी जो है वो सख्त रह जाती है तो दम पे रखने से बिल्कुल नरम हो जाती है, रुई की तरह मुलायम हो जाती है। क्योंकि पकते हुए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बोटियां जो हैं बीच में सख्त रह जाती हैं, तो इससे ये होता है कि बोटियां बिल्कुल नरम हो जाएंगी, रुई की तरह नरम हो जाएंगी। 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। अब ये बोटी मैं चेक करने लगा हूँ, थोड़ी सी सख्त है बोटी, तो इसको बिल्कुल नरम मुलायम करने के लिए हमने इसको दम पे लगाया है। अभी इसको कवर कर देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और बोटी बिल्कुल नरम हो जाएगी। अब इसको 20 से 25 मिनट के लिए हमने कवर करना है। दूसरी देग को भी इसी तरह हम दम पे लगाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए। इससे गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। दम से उतारने के बाद जी, अब हम इसके ऊपर ज़ीरा पाउडर डालेंगे। एकदम से नहीं डालना, गोश्त को 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट दे के फिर डालना है। अब इसके ऊपर जी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अगर आप एकदम से उसी वक्त आग से उतार के डालेंगे तो ये इसका जायका कड़वा हो जाएगा। अब गार्निश करेंगे जुलियन कट की हुई अदरक, सब्ज़ मिर्चें और धनिया से। आप जी, दूसरी देग को भी इसी तरह से गार्निश करेंगे, उसी तरह से मसाले ऐड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल लाइक के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगली हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।